तो हम बात करने वाले गिफ्टेड के एपिसोड 11 और फाइनल प्रोमो के बारे में। एपिसोड 11 में एक्समैन कॉमिक के रिलेटेड काफ़ी रेफरेंसेस थे और मैं इन रेफरेंसेस के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सीन में एक ग्रुप ब्लिंक की गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये ग्रुप असल में प्यूरीफायर्स है। ये म्यूटेंट्स को हेट करते हैं और म्यूटेंट्स को अपना एनिमी मानते हैं। कॉमिक में इस ग्रुप को फॉर्म किया था विलियम स्ट्राइकर ने। इस ग्रुप के मेंबर्स ये मानते हैं कि म्यूटेंट्स वर्ल्ड के लिए डेंजरस है और इन्हें मार देना चाहिए। इस ग्रुप के किसी भी मेंबर के पास कोई सुपर पावर नहीं है। ये ग्रुप रिलाय करती है टेक्नोलॉजी पे। इस सीन के बाद आप देखते हैं ट्रिपलेट को, यानी कि स्टेफर्ड कुकूज। कुकूज असल में एमा फ्रॉस्ट के क्लोन है, एमा फ्रॉस्ट यानी कि वाइट क्वीन। इन तीनों के पास है टेलीपैथिक एबिलिटीज़ और अगर ये साथ में आते हैं तो ये काफ़ी पावरफुल है। इस एपिसोड में और एक ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है और वो है हेलफायर क्लब। ये ग्रुप भी एक्समैन के एनिमीज है। इस ग्रुप में सारे मेंबर्स म्यूटेंट्स है। इस टीवी सीरीज में कुकूज हेलफायर क्लब को रीबिल्ड कर रही है। इस एपिसोड में आगे हमें ये पता चलता है कि मैग्नीटो पोलारिस का बायोलॉजिकल फादर है और वो हेलफायर क्लब का वाइट किंग भी था। Do you? About your father? My father is a pilot who died in a plane crash. No, your real father. Not the poor sap who married your mother. Oh, you must have heard stories. I don't want to talk about it. You should know that your father was a member of the Hellfire Club. More than a member. A king. That makes you royalty. What? Because... इस एपिसोड में कुकूज एंडी और पोलारिस दोनों को इनडायरेक्टली कन्विंस कर रही है हेलफायर क्लब ज्वाइन करने के लिए। Things are changing. Time is coming from mutants. They're coming. Let's go get them. We need people like you. We? You've heard of the X-Men? Yeah, aren't they an urban legend now? Well, they left something behind. Whether you like it or not, you're like your father. Get down! This isn't why the X-Men chose us. Fall back! I'm tired of hiding. This will change everything. The Gifted. अब इस सीरीज का फाइनल एपिसोड एयर होने वाला है 15 जैन को और प्रोमो को देख के लगता है कि हमारे कई सारे सवाल के जवाब मिलने वाले हैं। जैसे कि एक्समैन इस टीवी सीरीज में किधर है और एक्समैन ने म्यूटेंट अंडरग्राउंड को क्यों चूज़ किया और साथ में पोलारिस और म्यूटेंट अंडरग्राउंड के फ्यूचर के बारे में भी पता चलेगा। गिफ्टेड का सीज़न 2 भी आने वाला है, ये कन्फर्म हो चुका है और शायद से इस सीज़न 2 में मेन विलन रह सकते हैं हेलफायर क्लब। यह हमें फाइनल एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपने टीवी सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये टीवी सीरीज़ देखिए। अगर आप एक्समैन मूवीज़, कॉमिक और टीवी सीरीज़ के फ़ैन हैं तो आप ये टीवी सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।